राहत की बात है कि नेपाल से आने वाले पानी की रफ्तार कम हुई, लेकिन बिहार में आ चुका गंडक का पानी बाढ़ की आफत ला चुका है। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर बैराज, जो कि भारत नेपाल बॉर्डर पे है, देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी भारत नेपाल बॉर्डर पे है और हम आपको जो पहली तस्वीर दिखा रहे हैं वाल्मीकि नगर बराज से, वो तस्वीर बिहार के लिए एक राहत भरी तस्वीर है, क्योंकि धूप खिली हुई है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश थमी है और इसका असर सीधे सीधे जो नारायणी नदी नेपाल से निकल के बिहार में आती है उसके जलस्तर में कमी के तौर पे देखा जा सकता है। जहां तक हमारी नजर जाती है वाल्मीकि नगर बराज के ठीक सामने उस तरफ, वहां देखिए वो नेपाल है और नेपाल में इस वक्त धूप खिली हुई है। जो मौसम पिछले 3-4 दिनों से बना हुआ था, लगातार बारिश हो रही थी, उसमें कमी आई है और इसका नतीजा ये हुआ है कि इस वक्त जो गंडक बैराज, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, गंडक बैराज से पानी का डिस्चार्ज भी पहले की अपेक्षा कम हुआ है। जो 24 घंटे पहले गंडक से डिस्चार्ज लगभग 6 लाख के आसपास था, वो घट के अब 2 लाख क्यूसेक पानी तक जा पहुंचा है और यही वजह है कि बैराज के 36 गेट्स में से कई गेट्स को बंद किया गया है, जलस्तर नीचे गया है। और लेकिन अभी भी राहत की खबर उन इलाकों के लिए नहीं है जहां पर गंडक के साथ साथ तमाम वो पहाड़ी नदियां जो नेपाल से निकल के आती हैं, उन नदियों का पानी निचले इलाके में फैल चुका है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप लगातार बिहार का काम कर रहा है। एनडीआरएफ की 6 टीमें बिहार से बाहर से मंगाई गई हैं, 3 टीम वाराणसी से मंगाई गई है और 3 टीम रांची से एनडीआरएफ की मंगाई गई है। बिहार में पहले से एनडीआरएफ की 12 टीमें और एसडीआरएफ की जो 22 टीमें हैं वो बाढ़ प्रभावित जिलों में कैंप कर रही हैं। यहाँ पश्चिम चंपारण में भी उनकी मौजूदगी है। सबसे बुरी खबर कल देखने को मिली जब अलग अलग इलाकों में गंडक के दबाव के कारण 6 तटबंधों को नुकसान पहुंचा। बगहा जो पश्चिम चंपारण जिले के अंदर आता है, बगहा के अंदर जो चंपारण तटबंध है, वो चंपारण तटबंध जो है वो टूटा और नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर बड़ी आबादी प्रभावित हुई। जो लाखों की आबादी है वो गांवों में कल पानी फैलना शुरू हुआ है। हालांकि यह रिंग बांध था और रिंग बांध टूटने के बाद वहां रात में एक्शन भी दिखा, जल संसाधन विभाग के जो अभियंता हैं उनको सस्पेंड भी किया सरकार ने। शिवहर के अंदर भी जो एक तटबंध है वो टूटा और जो सीतामढ़ी के अंदर गंडक ने कहर बरपाया तो वहां पर अलग अलग जगहों पे 4 तटबंध टूटे हैं। तो जिन इलाकों में तटबंध टूटे हैं वहां पर जो आबादी है उसको रेस्क्यू करना, उसको सुरक्षित करना सरकार के लिए अभी भी चुनौती है। और भले ही नेपाल में बारिश थमी हो, भले ही पानी का डिस्चार्ज कम हुआ हो, लेकिन जिन इलाकों में गंडक का पानी पहुंच चुका है उन इलाकों में अभी भी बाढ़ अपने रौद्ररूप में है, गंडक अपने रौद्ररूप में है और वहां पर जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशिभूषण, भारत नेपाल सीमा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इस वक्त दरभंगा में बाढ़ से कैसे हालात हैं। कल रात तटबंध टूटने से नेपाल से छोड़ा गया पानी तेजी से दरभंगा में प्रवेश कर रहा है। प्रशासन कोसी नदी पर बने बांध को टूटने से बचने का प्रयास कर रहा है। देखिए हमारे सहयोगी रोहित सिंह की एक खास रिपोर्ट। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त बाढ़ की स्थिति बनी है, कई जगहों पर तटबंध भी जो है वो टूट रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा जिले में। दरभंगा के जमालपुर थाना अंतर्गत भूबोल इलाके में मौजूद हैं और आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से ये जो बांध है ये कल रात 12 बजे जो है वो ध्वस्त हो गया। उसके बाद कोसी का पानी जो है वो अब दरभंगा के तरफ जो है वो देख सकते हैं यहां पर उसकी धारा जो है अब मुड़ चुकी है और दरभंगा को अब एक काफी खतरा जो है वो अब हो गया है, क्योंकि ये जो कोसी का पानी जो है जो अपने धार को जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुड़ चुका है दरभंगा के तरफ। तो कुशेश्वर स्थान, बिरौल, ये तमाम जो दरभंगा के इलाके हैं वहां पर तेजी से पानी जो है वो बढ़ रहा है और सरकार लगातार दावा कर रही थी कि जो उत्तर बिहार के कई नदियों में उफान आया है, खासकर कोसी बराज से,
तकरीबन 6.5 लाख से भी ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद जो बाढ़ की स्थिति कई नदियों में देखने को मिली है, खासकर कोसी में, उसके बाद सरकार का लगातार दावा था कि तमाम जो तटबंध है वो सुरक्षित है, लेकिन सरकार के तमाम दावे यहाँ पर जो है वो फेल होते हुए नजर आए, क्योंकि कल रात ये दरभंगा में भूभोल इलाके में ये बांध ध्वस्त हो गया है। उसके बाद कोसी की धारा देखिए, ये अब पूरा का पूरा पानी जो है, ये देखिए ये इलाका भी काफी खतरनाक है, क्योंकि ये पुल भी किसी वक्त जो है बिजली का जो ये खंभा है ये किसी भी वक्त यहाँ पे गिर सकता है और काफी खतरनाक स्थिति हो गई है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इस बांध का जो दूसरा सिरा है वहां से टूटा है, वहां भी लोग मौजूद हैं, और धार देखिए कोसी में किस तरीके से रफ्तार है, और इसके वजह से हजारों की आबादी जो है इस इलाके में प्रभावित हुई है और अपने जो उनके घर डूब गए हैं और वो सुरक्षित स्थान पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से इस वक्त उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वो बेहद चिंताजनक, बेहद गंभीर है, और ऐसे में लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित हुई है, और जिस तरीके से तटबंध अब टूट रहे हैं उससे अब कोसी का पानी नए इलाकों में जो है वो अब फैलता जा रहा है, जिससे कि बाढ़ की विभीषिका और ज्यादा जो स्थिति है वो खतरनाक हो गई है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और धीरज सिंह के साथ रोहित सिंह, दरभंगा।